जिस स्कूल में चुनाव लड़ने के लिए दिया इस्तीफा, वही विधायक बनकर पहुंचे चंद्रदेव राय। बिलाईगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक चंद्रदेव राय अपने जनसंपर्क के दौरान पेंड्रावन पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा कर्मा नृत्य और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक राय गांव के प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर आशीर्वाद लिए, साथ ही लोगों का आभार व्यक्त किए। तत्पश्चात विधायक राय पेंड्रावन के स्कूल पहुंचे, जहां उन्हें केला से तौला गया। आपको बता दें कि विधायक राय ने स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अध्यापन कार्य भी किया है। इस दौरान उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग बलौदा बाजार ताराचंद देवांगन ने बताया कि विधायक जी का राजनीतिक सफर इस गांव से शुरू हुआ है और आज विधायक बनकर यहां पहुंचे हुए हैं, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। वही विधायक ने अपने संबोधन में जनता कि हम सब भारतीय हैं। आज मैं सबसे पहले पेंड्रावन के धरती का प्रणाम करता हूं, यहां के मतारी मल्ला का प्रणाम करता हूं, यहां के बहनी मल्ला का प्रणाम करता हूं, ये गांव के जनों को श्याम मल्ला प्रणाम करता हूं, मोर काका बाप मल्ला प्रणाम करता हूं, नौजवान साथी मल्ला प्रणाम करता हूं, और कांग्रेस के आए जनों नेता मल्ला मैं प्रणाम करता हूं। एकर लिए प्रणाम करत हो कि आज तुहर बदौलत मैं हूँ, आज तुहर लिए मैं हारा, एकर लिए मैं आप मल्ला दंडवत प्रणाम करत हूँ। और पेंड्रावन के धरती ला बारंबार प्रणाम करत हूँ कि ये स्कूल में मैं पढ़े, ये स्कूल में मैं पढ़ाए और ये स्कूल में आज विधायक बन के आए, एकर लिए मैं प्रणाम करत हूँ। पेंड्रावन के ऐसे कोनो घर में होगी जेकर लड़का ला नहीं पढ़ाए होंगे, पेंड्रावन के ऐसे कोनो द्वार नहीं होगी जेकर घर के लड़का मन नहीं का तो राय सर हम विधायक बन गए। मैं तो अपन आपका धन्य माना था कि मोर जैसे गरीब और किसान के बेटा ला, एक समाज के शिक्षक ला, तुम्हारे घर के लड़का ला, तुम्हारे घर के बेटा ला, अब के माया दुलार और आशीर्वाद से ये जगह में पहुंचाए हो, ये जीवन भर आपन के एहसान ला मैंने चुका, ये जीवन भर आपन के ऋण रही हो। हमारे मित्र देवानंद जी कही कि पेंड्रावन का गोद ले ले लड़का ला के गुलामी भी जवान नहीं, ये पेंड्रावन ला मोर काका बाप है, मोर मतारी है, ही बाल मैं गोद लिया लड़का। मैं तो एक ही जो बात कर रहे हैं सारी काम पर नेता धन चुना बेटा चुना बेटा बहुत ही जाना मोला लग के अगर बेटा हर जीवन बाप का बहुत देख तुम करेंगे तो जमाना बदल। हमारे मोर पेंड्रावन के गांव पूरा क्षेत्र मोर कका बाप है, मोर सियान है, हमारे तो तुहर लेता सीधा आदेश कर गया पालन वही है बात को भरोसा दिला। एक बात जरूर कही, जो सपना मोर क्षेत्र के पूर्वज मन, मोर क्षेत्र के सियान मन, मोर क्षेत्र के किसान मन तो सपना देखे रही थे कि खेत में पानी पहुंचे, और आज एक सादा मास्टर गुरुजी आदमी अगर बन के आए है तो मोर पहली काम हुई कि क्षेत्र के एक एक किसान के खेत में पानी पहुंचाए के नहर के माध्यम से पानी पहुंचाए। पार्टी है जो गांव गरीब किसान और मजदूर के पार्टी है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक सबो वर्ग के अगर कोई पार्टी है जो सबके दुख सुख ल सुनने वाला कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनी, कांग्रेस के सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ के किसान के बेटा, छत्तीसगढ़िया बेटा माननीय भूपेश बघेल जी पहली काम तुहर करी किसान मन के कर्जा माफ करी, जो हमार गरीबी रेखा के नीचे हमार किसान है जब हम कर्जा लदाई पटा सके, मध्यम वर्ग की किसान है जो 40,000-50,000 एक डेढ़ लाख तक के कर्जा लदाई पटा सके, बड़े आदमी 5-10 लाख का पटा दे वो हमार सुशील राय है,
पटेल समाज के अध्यक्ष है, पर 10 लाख कर दिया तब तो 2 लाख भी कर दिया माँ कोई तो बोला कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारा हमारे दस गरीब आदमी के 50,000 कर्जा भी माफ होते तो हमें जिंदगी सुधर जाए, परिवार हमार बस नहीं कब हम गरीब आदमी कर्जा के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, हम गरीब आदमी कर्जा ले नहीं पटाए सकन साहूकार लगा हम पूरा जेवर ला गिरवी रख देता है, हम गरीब आदमी अपन सबकी संपत्ति ला साहूकार के पास रख देता है, ये कांग्रेस पार्टी एक गरीब के सुविधा समझी और किसान मन के कर्जा का माफ कर लिए, कांग्रेस पार्टी हमें धन्यवाद ज्ञापित करा था और दूसरा काम भी हमारे किसान मन की करी जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार है 2100 रुपया दिया ठगा ठगा टाइप धान की कीमत का 2100 रुपया दे दी और कांग्रेस के सरकार बन के साथ किसान मन के धान का 2500 रुपया क्विंटल करी और जो भी जन घोषणा पत्र में जो भी मांग है बिजली बिल आप है दूसरा पेंशन है सब धीरे धीरे वही कर्मचारी मन के भी तनखा आप मन भरोसा करा तुम्हार बेटा भी तुम्हारे सामने में है और जब बेटा विधायक है तो मोर जम्मो सियान मन कका बाप मन मोर मतारी मन यहाँ क्षेत्र के रोहिया सब विधायक कोनो विधायक से कम न आप जिस स्कूल में बच्चों को शिक्षा दिए हो और जिस स्कूल में आप चुनाव न लेने के लिए इस्तीफा दिए हो वहाँ विधायक बनने के बाद पहुँचे हैं क्या कहना चाहेंगे सर? जीवन भर नहीं रोक सकता इस स्कूल में पढ़ा भी जी इस स्कूल में सेवा भी दिया हूँ और आज ये यहाँ इस स्कूल को विदा लेकर इस स्कूल में इसीलिए क्षेत्र के मेरे अपने लोग हैं मेरे अपने परिवार के लोग हैं क्षेत्र के मेरे पूरे पिता या मेरी माता मेरी बहन चाहने वाले मेरे सारे लोग अपने लोग आज अपना बेटा को इस क्षेत्र में विधायक बनाया है निश्चित ही सबने अपने गुरुजी को इतना प्यार आशीर्वाद सहयोग देकर इस क्षेत्र का विधायक बनाया है तो हमारा पहला कर्तव्य होगा जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने किसान का बेटा छत्तीसगढ़िया बेटा पहला किसानों के हित किसानों के लिए बड़ा फैसला लाया किसानों की जो गरीबी रेखा से नीचे मध्यम वर्ग थे जो कर्ज से लगे थे ऐसे लोग कर्ज नहीं पटा पाने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए लिए माननीय भूपेश दाऊ जी ने पहला काम किया किसानों के कर्जा माफी में एक राहत भरा उनके लिए रहा दूसरा काम भी किया जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन कमीशन को भ्रष्टाचारी सरकार ने जो नहीं कर पाया 2100 रुपये देने का जो बात कर ठगे गए वादा किया भी किया लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 2500 रुपये कुंटल धान देकर किसानों का सम्मान बढ़ाया निश्चित है जन घोषणा पत्र में जितनी भी घोषणा है सब धीरे धीरे और आज क्षेत्र में विधायक बन का हमारा पहला कर्तव्य होगा क्षेत्र के जो किसान है किसानों के खेत में नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाने का हमारा लक्ष्य होगा इसको हम बखूबी बजट में रखेंगे और बांध के माध्यम से खेत तक पानी पहुंचाने जिसके लिए इरिगेशन विभाग के बड़े अधिकारियों से हमने बैठक की और शीघ्र इस क्षेत्र में नहरों के माध्यम से खेत तक पानी पहुंचेगी दूसरी सबसे अहम बात मांगे हैं कि सरसुआ क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा बहुत एरिया इस क्षेत्र में आज भी कॉलेज के अभाव है शासकीय कॉलेज किसी ग्राम बजट में इसको प्रस्तुत करेंगे माननीय निवेदन आग्रह करके इस क्षेत्र में कॉलेज खुलवाएंगे हमारी प्राथमिकता है इस क्षेत्र में हम सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हम बड़ा कदम उठाए काम करेंगे इस क्षेत्र में आज भी डॉक्टर के अभाव में लोग यहाँ पेशेंट के लिए तरस रहे हैं मरीज जो भटक रहे हैं लवारिस की हालत में लेकिन हम यहाँ पर हॉस्पिटल डॉक्टर उपलब्ध कराएंगे पेशेंट को उचित इलाज के लिए उपलब्ध कराएंगे और एक महत्वपूर्ण काम है कि इस क्षेत्र में जो सड़कों की स्थिति बदतर सड़कों की बेहतर सुविधा कराएंगे होगी डिवाइडर युक्त सड़कें होगी बहुत अच्छा इस क्षेत्र में हर जो छोटी छोटी चीजें जो गांव को आवश्यकता हो चाहे शिक्षा हो स्वास्थ्य हो पानी हो पेयजल की व्यवस्था हो वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे क्योंकि इस क्षेत्र का बेटा हूँ किस चीज से वाकिफ हूँ कि जिस गांव में क्या सीसी रोड नहीं पहुँच पाई है सड़क विहीन गाँव है कई ऐसे गाँव है जहाँ आज भी जूने की कमी है ये सारे सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे और निश्चित हमको पूरा विश्वास है जिस प्रकार से आज पेट्रावन की धरती आज खुशहालमय हो गया आज रोशनमय हो गया सारे लोग अपने बेटा को पाकर इतने आभार रैली के माध्यम से आतिशबाजी के माध्यम से ढोल नगाड़े के माध्यम से इस प्रकार से स्वागत किया निश्चित ही पेट्रावन की धरती को मैं नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ यहाँ के रेडी हूँ इस क्षेत्र के रेडी हूँ कि इन्होंने कुछ जैसे गरीब किसान के बेटा को मजदूर किसान के बेटा को सामान्य शिक्षक को विधायक बनाया है मैं इन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।
सरकार को धन्यवाद दिया और जनता की मांग पर देवांगन समाज को 5-5 लाख और कहरा समाज को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही पेंद्राबान में हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ताराचंद देवांगन, प्रवेश दुबे, यूसुफ खान, मुद्रिका राय, दया साहू, प्रेम लाल साहू, नेत्राज गुर्रे, सुशील पटेल, दिनेश देवांगन, सतीश साहू, संजय साहू सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता और ग्रामवासी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ समाचार के लिए कमल देवांगन की रिपोर्ट।